हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्टार प्लस की जब न्यूज़ आती हैं तो लगातार आती हैं, और जैसे जैसे नए शो के प्रोमो आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि इन्हें टाइमिंग क्या मिलेगी उनकी स्टोरी के। बाद में फैंस बाद में सर्च करते हैं, पहले अगर सर्च करते हैं तो वो ये देखते हैं कि इसे टाइमिंग कौन सी मिलेगी, कौन सा शो खतरे में जाने वाला है। ऐसे में काफ़ी शो पे जो है खतरे की घंटी लटक रही है। मे भी वो अपने शो को सेव कर ले नवंबर तक, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रज्जो की, जो कि इस वीक जो है स्लॉट किंग बना है, या कह सकते हैं स्टार प्लस को एक जो है खुशी दी है। 2021 से 22 के बीच में उनका जो है 7 o'clock पर पहली बार शो जो है स्लॉट किंग बना है, तो ऐसे में जो है उसने जो है उड़ारियन को टक्कर दी है। उड़ारियन ही भले ही पॉइंट कम लेकर बैठ गया हो, लेकिन रज्जो वहीं पे टिका हुआ है। मे भी रज्जो इससे ऊपर चला जाए, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा जो डिवोर्स का देखने को मिलने वाला है। लेकिन उस शो की ऐसी क्या आ गई है न्यूज़? तो डियर, जो है उस शो की कुछ खास न्यूज़ निकल कर आई है। शो में आपको एक न्यू एंट्री देखने को मिलने वाली है, यानी कि खुशागर दुआ की आप इन्हें देखने वाले हैं। अर्जुन के भाई का रोल करते हुए नजर आने वाले हैं, नाम होगा नमन। ऐसे में फैंस सर्च कर रहे हैं ये पॉजिटिव होने वाले हैं या नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। तो डियर, अगर इनके पहले करेक्टर को देखा जाए, जैसे मेहंदी है रचने वाली या बहुत प्यार करते हैं जो स्टार भारत पे आपने देखा है, तो ऐसे में इन्होंने उसमें जो है नेगेटिव रोल किया है। उम्मीद है कि रज्जो में भी ये निगेटिव रोल करने के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी न्यूज आई थी कि ये जो है संदीप श्रीखंड के शो में नजर आने वाले हैं, जो कि शुरू होने जा रहा है जल्दी सैयाना। तो ऐसे में जो है डियर, अभी वो शो शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ये रज्जो में आ रहे हैं। ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होंगे, लेकिन जितने भी टाइम के लिए होंगे उम्मीद है टीआरपी बहुत तेजी से बढ़ाएंगे अगर ये निगेटिव रोल करते हुए नजर आएंगे। आप इन्हें कितना पसंद करते हैं या रज्जो शो को कितना पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।